Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to start solving the first problem of admission of partnership firms. Okay, here is a question. Question number first is here. The balance sheet of A and B as on 31st March 2019 is set out below. They share profits and loss in the ratio of 3:2. Okay. देखिए मित्रों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है. यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ए एंड बी ये दो पार्टनर यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे 31st मार्च 2019 को उनका जो बैलेंस शीट जो है यहाँ पे दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग उनका रेशो रहने वाला है यहाँ पे 3:2 रहने वाला है. ओके, यहाँ पे नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है यहाँ पे 31st मार्च 2019 का. यहाँ पे लाइबिलिटीज दी हुई है और एसेट दी हुई है. सबसे पहले बच्चों हमें करना क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमें दिया होता है उसे हम प्रॉपरली पहले रीड करना होता है और यदि उसको रीड करने के बाद जो सारी हमें जो स्टेप दी होती है उसे फॉलो करना होता है. सबसे पहले हम उसको रीड कर लेते हैं. जैसे कि लायबिलिटी में यहाँ पे दिया हुआ है हमें ए का जो कितना कैपिटल लगाया है, यहाँ पे 80,000 का कैपिटल है. बी का यहाँ पे लगाया हुआ कैपिटल है वो 60,000 का कैपिटल लगाया हुआ है और यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है 48,000 का. उसके बाद क्रेडिटर्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 32,000 के दिए हुए. उसके बाद एसेट साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे बिल्डिंग्स दी है 40,000. देन उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर दिया हुआ है 20,000 का. देन स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पे 24,000 का दिया हुआ 24,000 दिया हुआ है यहाँ पे. और डेटर्स यहाँ पे दिए है 80,000 का दिया हुआ है. उसके बाद बोला है कि जो कैश है हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो है 36,000 का दिया हुआ है. प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दिया हुआ है हमें 20,000 का दिया हुआ है. ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई हुई है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दी गई. दे आर एग्रीड टू एडमिट सी. यहाँ पे सी को उन्होंने एडमिट करने का बोला हुआ है एज अ पार्टनर के हिसाब से इन टू फर्म में. और उसके लिए उन्होंने फॉलोइंग टर्म्स रखी हुई है. जो पहली टर्म्स यहाँ पे रखी हुई उन्होंने जो फर्स्ट यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है हमें, ही शुड ब्रिंग्स 24,000 एज अ कैश सॉरी कैपिटल. यहाँ पे कैपिटल उन्होंने बोला है कि वो जो कैपिटल में लाने वाला है एज अ कैश कितना बोला है 24,000 बोला हुआ है. देन उसके बाद बोला है कि आरएस जो रुपीज बोला हुआ है यहाँ पे 18,000 एज अ गुडविल लाना है उनको. 18,000 का गुडविल लाना है विच इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस में उन्हें ये चीजें लानी है. ही विल बी इंटाइटल्ड टू 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म के जो फ्यूचर प्रॉफिट उन्हें होने वाला है उन्हें उसका जो शेयर मिलने वाला है 1/4 मिलने वाला है सी को. ओके, देन उसके बाद यहाँ पे सेकेंड जो है जिसमें यहाँ पे बोली कि 50% जनरल रिजर्व इज टू रिमेन एज अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. जो जनरल रिजर्व यहाँ पे दिया है उसका 50% यहाँ पे डाउटफुल आरडीडी के हिसाब से वो रखने वाले हैं. ओके, और यहाँ पे जो हमें थर्ड यहाँ पे जो एडजस्टमेंट बोली है कि क्या बोला है कि फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड कितना बोला है 5% डेप्रिशिएट बोला है. देन उसके बाद यहाँ पे स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹30,000. यहाँ पे जो स्टॉक यहाँ पे वैल्यूड हुआ है इसकी वैल्यूड चेंज हुई है स्टॉक की यहाँ पे 30,000 दिखा रहा है. ओके, देन उसके बाद आगे बोला है कि क्रेडिटर्स ऑफ द 2000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ बोला है यहाँ पे जो 2000 का जो क्रेडिटर्स यहाँ पे रिटर्न ऑफ किया गया है. ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सिक्स एडजस्टमेंट यहाँ पे बोले कि रेंट ऑफ 1000 ड्यू बट नॉट रिसीव एंड इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स. जैसे कि यहाँ पे 1000 का जो रेंट हमें रिसीव्ड क्या बोला है कि जो 1000 की जो एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुई है जो कि रेंट रिसीव की थी. ओके, सो उसके बाद यहाँ पे बोला है कि हमें बोला है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट करने को बोला है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला हुआ है. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट बोला हुआ है एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. ओके, यहाँ पे नया बैलेंस शीट बनाने का यहाँ पे बोला है. जैसे कि हमें तीन चीजें यहाँ पे प्रिपेयर करना है. पहली वाली जो चीज है वो वाली है रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके बाद यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो हमें बनानी है. ओके, सारा ये पढ़ने के बाद हमें करना क्या होता है कि जो सारा हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है. दोस्तों, इसके बाद हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे सिंपली हमें कुछ स्टेप होती है
स्टेप को फॉलो करनी होती है। जैसे कि मैंने ये सारी स्टेप आपको लिख लेनी है, कहीं पे नोट करके रखनी है, मैंने वो सारी स्टेप यहाँ पे आपको बताई हुई है। जैसे कि यहाँ पे जो सारी स्टेप यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे, तो ये सारी स्टेप आपको रिकॉर्ड करके रखनी है, कहीं पे लिख के रखनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें पहले करना क्या होता है, मार्क्स दी ऑल एडजस्टमेंट्स आइटम्स, जो कि जो आइटम्स होते हैं एडजस्टमेंट वाले उसे हमें पहले मार्क्स करना होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप होती है कि ओपन नेसेसरी अकाउंट्स, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि हमें बोला है कौन कौन से अकाउंट है, यहाँ पे बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है, पार्टनर्स का कैपिटल बोला हुआ है और बैलेंस शीट हमें बनाने का बोला है। जैसे कि ये हमें नेसेसरी अकाउंट ओपन करने होते हैं, या तो फिर जैसे कि यहाँ पे बोला है रिवेल्यूशन अकाउंट हुआ, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल हुआ, कैश का या बैंक का अकाउंट हुआ, या तो गुडविल का अकाउंट हुआ, ओके। और उसके बाद क्या करना होता है, एंड पोस्ट द ओपनिंग बैलेंस एट एसेट्स डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, जो भी हम ओपन करते तो उसके बाद ओपन होने के बाद उनके ओपनिंग जो बैलेंसेस होते हैं हमें क्या करने होते हैं, वो शिफ्ट करने होते हैं, ट्रांसफर करने होते हैं। जैसे कि एसेट का जो भी बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस होगा, और उसके बाद लाइबिलिटी का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, ये ओपनिंग बैलेंस हमें ट्रांसफर करने होते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेप होती है, स्टार्टिंग ड्यू टू इफेक्ट फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द एसेट साइड ऑफ द ओल्ड बैलेंस शीट इंक्लूडिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस इफ एनी। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी थर्ड स्टेप क्या होती है, जो एसेट साइड में जो होता है ओल्ड बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होती है उसके एडजस्टमेंट के इफेक्ट हमें देने होते हैं। दो इफेक्ट्स होते हैं, ओके। और उसमें हमें यदि कोई लॉस वगैरह प्रोवाइड किया गया अनडिस्ट्रीब्यूट रहा तो उसको भी हम क्या करते हैं, उसके भी दो इफेक्ट देते हैं, ओके। उसके बाद जो फोर्थ यहाँ पे हमें बोला गया है, फोर्थ जो स्टेप हमारे स्टार्ट गिविंग टू इफेक्ट फॉर द एडजस्टमेंट फ्रॉम लाइबिलिटी साइड ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट इंक्लूडिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इफ एनी। यहाँ पे बोला गया कि फोर्थ जो हमारी स्टेप यहाँ पे है कि हमें लाइबिलिटी साइड के जो भी जो ओल्ड बैलेंस शीट में के जो लाइबिलिटी साइड है उसमें के सब जो एडजस्टमेंट्स है, जो एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट हमें देने होते हैं, और उसके दौरान हमें कोई प्रॉफिट दिया होता है उसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ जो हमें स्टेप बोली है कि स्टार्ट विथ रिमेनिंग एडजस्टमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन में कुछ, उसके बाद डेबिट साइड क्रेडिट साइड ही हो जाने के बाद जो बचती है लाइबिलिटी और एसेट्स के बाद जो बचती है, जो एडजस्टमेंट बचती है उन्हें हमें क्वेश्चन में जो दी गई होती है उसको फॉलो करने होते हैं, उसका स्टार्ट उसके इफेक्ट देने होते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमें सिक्स जो स्टेप बोला है कि क्या बोला है कि बैलेंस रिवेल्यूशन अकाउंट एंड ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस टू ओल्ड पार्टनर्स इन द क्या बोला है यहाँ पे वो जैसे कि उन्होंने बोला है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना होता है, उसमें फाइंड करना होता है हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ओके। उसके बाद सेवन्थ जो हमारी स्टेप आती है, एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्पेसिफिक इन द क्वेश्चन इफ एनी। यदि हमें बोला गया कि पार्टनर्स के जो कैपिट अकाउंट करने को बोला है तो उन्हें हमें क्लोज करने होते स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला हो तो, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला है कि रिकॉर्ड ऑल क्लोजिंग बैलेंसेस, जो 8 नंबर की हमारी स्टेप है यहाँ पे दी है कि रिकॉर्ड ऑल क्लोजिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस उन्हें हमें रिकॉर्ड करने होते हैं, जैसे कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ, कैश बैंक, गुडविल, ये जो सारी चीजें उसे हमें क्लोज करने होते हैं, इसके क्लोजिंग बैलेंस हमें। उसके बाद बोला है कि ऑफ ऑल अकाउंट इन अ न्यू बैलेंस में उसको ट्रांसफर करने होते हैं। और जो फाइनल हमारी जो 9th स्टेप है उसे हमें होती है टैली द न्यू बैलेंस शीट। और जैसे ही हमारा न्यू बैलेंस शीट है टैली हो जाता है तो उसके बाद हमें हमारा जो प्रॉब्लम्स होता है परफेक्टली सॉल्व हुआ है ऐसा हम मान के चलते हैं, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन को, ओके। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन के हिसाब से और स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो पहले हमने 3 अकाउंट यहाँ पे बनाने हैं। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर के कैपिटल्स अकाउंट बनाने हैं, और यहाँ पे बैलेंस शीट जो कि नई बैलेंस शीट यहाँ पे बनानी है, ओके। ये हमारी होती है जो उससे पहले ही हमारी सेकंड स्टेप, उससे पहले यहाँ पे देखा स्टेप में हमने देखा है कि ऑल मार्क्स ऑल एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में जाके
एडजस्टमेंट्स को मार्क करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और एडजस्टमेंट पढ़ के हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मार्क करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए जो गुडविल और जो कैपिटल बोला है ये तो हम मार्क्स नहीं कर सकते यहाँ पे, नहीं ये तो इसके डायरेक्टली हम इंक्रीज कर लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड दिया है कि रिजर्व बोला है, जनरल रिजर्व बोला है, 50% जनरल रिजर्व बोला है, तो जनरल रिजर्व को यहाँ पे देखो मैंने एलो किया है, मतलब इसे मार्क किया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोला कि फर्नीचर, फर्नीचर को यहाँ पे 5% डेप्रिसिएशन करना है, तो फर्नीचर को मैंने देखो यहाँ पे एलो किया है, मार्क किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने बोला है कि स्टॉक का वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हुआ है, तो मैंने स्टॉक को भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। उसके बाद क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ किए गए, तो मैंने क्रेडिटर को भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। उसके बाद बोला है कि भाई जिस इसका जो इफेक्ट होने वाला है, जो इफेक्ट होने वाला है, तो उसका जनरल रिजर्व का जो इफेक्ट होने वाला है वो डेटर पे भी होने वाला है, तो मैंने डेटर को भी मार्क किया हुआ है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे जो हमें 6 नंबर को बोला कि रेंट का, रेंट का ये तो रिकॉर्ड ही नहीं, तो इसका इफेक्ट हम डायरेक्टली एंट्री के थ्रू दे सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप को हमने फॉलो किया, मार्क किया। उसके बाद हमने बोला है कि ओपन नेसेसरी अकाउंट्स, ओपन नेसेसरी अकाउंट्स, तो हमने क्या किया सॉल्यूशन में, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाया, उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनाया, और उसके बाद हमने बैलेंस शीट का अकाउंट, यहाँ पे तीन यहाँ पे नेसेसरी अकाउंट बना लिए हैं। ओके, देन उसके बाद हमें जो बोला गया कि जो हमने अकाउंट को बना लिए, और अभी उसका क्या करना है, पोस्टिंग, ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ पे हमें पोस्ट करने हैं, यहाँ पे हमने जो ओपनिंग बैलेंस हमें पोस्ट करने हैं। तो जो भी ओपनिंग बैलेंसेस थे, जैसे कि हमने कैपिटल का बैलेंस लिया, कैपिटल का बैलेंस हमें ट्रांसफर करना है, जैसे कि कैपिटल का बैलेंस मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, यहाँ पे देखिए ए और बी का जो बैलेंसेस था यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर दिया एज बैलेंस, इसका था 80,000 और बी का था 60,000, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया ओपनिंग बैलेंस जो था। देन उसके बाद जो हमने जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ट्रांसफर तो कर दिए, और उसके बाद हमें बोला गया है कि आगे ओपनिंग जो अभी स्टार्ट करना है, हमें जो इफेक्ट दिया, इफेक्ट जो दिए हुए वो इफेक्ट को हमें थर्ड स्टेप में बोला गया कि टू इफेक्ट एडजस्टमेंट के हमें इफेक्ट देने स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी सॉल्यूशन में जो इफेक्ट हमें स्टार्ट करना है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे हमें बोला गया है, क्वेश्चन में हमें फर्स्ट इफेक्ट बोला गया है कि जैसे कि ये तो इसका ये तो हम डायरेक्टली जनरल एंट्री पास करनी, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 50% रिजर्व होता है जनरल रिजर्व, इसको हम क्या करने वाले हैं, आईडीडी बनाने वाले हैं, तो इसका इफेक्ट हम देते हैं पहले। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें दिया हुआ है उसका इफेक्ट, जैसे कि हमने जो पार्टनर्स थे उनके, तो उन्हें हम जो रिजर्व था उसका कि 40,000 का उसका रिजर्व आने वाला है, तो हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि हमने पूरा अमाउंट थी उसकी जनरल रिजर्व की, पूरी अमाउंट कितनी है यहाँ पे जनरल रिजर्व की अमाउंट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई यहाँ पे 48,000, तो उसका हमें 50% करना होगा, तो इसका 40% हम करते हैं, इसका 40% कितना हो जाता है यहाँ पे 24,000। ओके, 24,000 को हम डिवाइड कर लेंगे, 24,000 को हम डिवाइड करने के बाद, 24,000 को डिवाइड करने के बाद उसका ओल्ड जो उनका जो रहने वाला रिजर्व हम उसको क्या करने वाले हैं, वो जो उनका ओल्ड रेशो रहेंगे उसमें हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और ये जो जनरल रिजर्व आने वाला है वो जनरल रिजर्व का जो इफेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पे वो दो जगह पे जाने वाला है, जैसे कि आरडीडी में 24,000 इसका तो दूसरा इफेक्ट जाने वाला नहीं, लेकिन जो बचा हुआ 24,000 है उसका इफेक्ट यहाँ पे हमने जनरल रिजर्व का इसको यहाँ पे हमने उसको ओल्ड उनका जो रेशो था जो ओल्ड रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यहाँ पे ए के जो हिस्से में आई हुई अमाउंट यहाँ पे उनका जो रेशो था उनके ओल्ड रेशो के हिसाब से हमें उसको डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे उसका जो अमाउंट आया है 14,400 आया हुआ है, और इसका 9,600 इसकी अमाउंट आया है। ये हमारा फर्स्ट जो एडजस्टमेंट बोला गया है उसका इफेक्ट यहाँ पे हमने दिया है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हमें बोला गया है कि जैसे कि एडजस्टमेंट में हम देखते हैं यहाँ पे फर्नीचर का बोला गया है हमें, फर्नीचर का हम इफेक्ट देखते हैं कि 5% डिप्रिसिएशन करना है, फर्नीचर का 5% डिप्रिसिएशन करना है, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि फर्नीचर हम बैलेंस शीट में यहाँ पे मेंटेन करते हैं,
देखिए यहाँ पे हमने 20,000 यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, उसका 5% निकाला। इसका 5% निकालने के बाद ये जो अमाउंट हमारी आती है 1,000 उसका 5% निकलता है। ओके, उसको लेस करने के बाद 19,000 है, आउटर कॉलम में हम लिखते हैं। और उसका ये जो इफेक्ट आने वाला है, इसका जो इसका एसेट का वैल्यू क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। एसेट का वैल्यू डिक्रीज होना मतलब हमारा लॉस होता है। जैसे कि यहाँ पे लॉस मतलब रिवैल्यूएशन में हम उसको डेबिट डालते हैं, लॉस को हम डेबिट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1,000 को यहाँ पे लिख दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट है बोला गया है कि स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू जो है यहाँ पे रिवैल्यूड हुआ है। स्टॉक की वैल्यू हमें यहाँ पे दिखा रहा है, वो कितना दिखा रहा है यहाँ पे 30,000 दिखा रहा है। और यहाँ पे एक्चुअल में स्टॉक कितना है हमारा, यहाँ पे स्टॉक जो हमारा है वो है 24,000 का दिखा रहा है। ओके, तो हम बैलेंस शीट में उसको देखते हैं कि जैसे कि स्टॉक मेरे इतना था और मेरा जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो गया है, 6,000 से इंक्रीज हुआ है। तो मेरा जो इंक्रीज हुआ है, ओके, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ मतलब मेरा वो इनकम हुआ। ओके, तो स्टॉक को मैंने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया है। ओके, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो इफेक्ट था, नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट था, यहाँ पे बोला गया है कि भाई क्रेडिटर्स को हमें रिटर्न ऑफ करना है 2,000 से। ओके, क्रेडिटर को रिटर्न ऑफ करना है। ओके, क्रेडिटर को हमें रिटर्न ऑफ करना है, तो हम क्रेडिट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्रेडिटर कितना है, 32,000 का है। यहाँ पे अनक्लेम जो था हमारा रिटर्न का और जो है 2,000, तो हमें उसको लेस कर देना है और हमारी जो अमाउंट बचने वाली है वो 30,000 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे अनक्लेम ये जो अमाउंट थी क्रेडिटर की, ये तो हमारा क्या हो गया है, ये तो हमारा इनकम हो गया है। ओके, यहाँ पे हमारी क्रेडिट मतलब लायबिलिटी क्या हुई, लेस हुई। लायबिलिटी डिक्रीज होना मतलब हमारा इनकम होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर दिया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो यहाँ पे बोला है कि रेंट का है। ओके, अभी इस हिसाब से जैसे कि हमारा जो एडजस्टमेंट जो थी उसके हमने सारे इफेक्ट्स दे दिए, उसके बाद अभी जो बचा हुआ था हमारे जैसे कि जो बैलेंसेस थे, जैसे कि इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया उधर, जैसे कि न्यू बैलेंस शीट में बिल्डिंग का जो अमाउंट था उसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी उसको मैंने बाहर लिख दिया। ओके, और उसके बाद अभी क्वेश्चन में बचा क्या है, जो ये तो मैंने पहले शिफ्ट कर दिया था। ओके, इसका भी एडजस्टमेंट हो चुका है, उसको बचा गया। अभी यहाँ पे जो कैश हुआ है हमारा, कैश को मैंने बैलेंस शीट में क्या करना है, सिर्फ फॉरवर्ड कर देना है कि जो मेरी कैश थी ये को मैंने इनर कॉलम में उसको लिखा हुआ है। ओके, इनर कॉलम में क्यों लिखा है इसका पता आपको बाद में चल जाएगा। ओके, मैंने इसको इनर कॉलम में लिख दिया है। ओके, और उसके बाद हमें बोला गया है कि भाई यहाँ पे रेंट जो है हमारा जो ड्यू हुआ है बट नॉट रिसीव्ड, और उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। ओके, तो हम इसको क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे कि मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन में आके मैंने जो मेरा रेंट रिसीवेबल था उसको मैंने और रिकॉर्ड कर दिया, और ओके, और उसको मैंने ट्रीट कर लिया कि इज माय इनकम। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे इसका भी इफेक्ट दे दिया। ओके, अब लेके चलते हैं जो कि फर्स्ट हमारा जो एडजस्टमेंट जो बची थी, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट, ये देखिए जो मैं जो है इन हमारी जो एडजस्टमेंट बची है उससे पहले यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है जो कि जो हमारा या प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है यहाँ पे 20,000, उसका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो हमारा लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। सो इसका जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है वो भी हमारा जो उनका रेशो रहने वाला है वो रेशो से हमारा उल्ट रेशो से उन्हें जो लॉस है जो उनको हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन आया है 12,000 और 8,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे उसका कर दिया है। ओके, अब उसके बाद ओके, ये हो गया उसका प्रॉपरली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। सो ये खत्म हो, ये सारी चीजें यहाँ से खत्म हो जाती है। और उसके बाद बचता क्या है हमारे पास, ये वाली चीज। ओके, यहाँ पे हमें बोला गया कि जैसे कि वो कैश कमी होने वाले है, मतलब कैश के फॉर्म में कैश लाने वाला है। ओके, लाने वाला सी है, तो कैश जो लाने वाला है उसके अकाउंट में हमें उसको तो पहले वो जो चीज रहने वाली है उसको हमें जो कैश उन्होंने लाई, देखिए यहाँ पे जो सी ने कैश लाई है यहाँ पे उसको हमने रिकॉर्ड कर दी। ओके, यहाँ पे कैश लाई हुई है। ओके, तो ये कैश किस
ये एज अ कैपिटल बोल के, तो यहाँ पे उसको हमें ऐड करनी होगी। देखिए यहाँ पे मैंने सी कैपिटल को करके यहाँ पे 24,000 को मैंने क्या किया है ऐड कर दिया, और यहाँ पे एज अ कैश बोल के सी के इसमें उसको लिख दी है। ओके, और उसके बाद आगे हमें करना क्या है, आगे हमें क्या करना है, देखिए जैसे कि बोला है कि भाई गुडविल भी लाया हुआ है। ओके, गुडविल भी लाया है, तो गुडविल भी क्या करना है हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में। ओके, जैसे ही गुडविल आता है, जैसे गुडविल यहाँ पे आया हुआ है, तो दोनों का जो उनका जो रेशो था, जो रेशो के हिसाब से जो सैक्रिफाइस रेशो था उनके हिसाब से उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसकी जो अमाउंट आई है यहाँ पे 10,800 आई है, और यहाँ पे 72,000 यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए ए और बी ने गुडविल के अमाउंट को। ओके, उन्होंने यहाँ पे गुडविल का जो अमाउंट आई थी उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें जो गुडविल जो लाई थी, तो यहाँ पे गुडविल की जो अमाउंट है उनका जो गुडविल का जो अमाउंट लाया था, मतलब जो दोनों की मिलके जो 18,000 थी, यहाँ पे भी हमें उसको ऐड कर ले। तो उस हिसाब से जो भी हमारी टोटल जो कैश बनती है 78,000 की, हमारी यहाँ पे कुल कैश बनी हुई है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से अभी यहाँ पे सारी की सारी जो एडजस्टमेंट्स थी, जो बची हुई सारी एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे कर दी है। उसके बाद हमें अगली जो स्टेप को फॉलो करना है कि सबसे पहले हमें जो सॉल्यूशन में, सबसे पहले हमें जो भी क्लोज करने वाली चीज़ है यहाँ पे उसको क्लोज करनी है। सबसे पहले हमें क्लोज करना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को। यहाँ पे हमने स्टॉक निकाला हुआ था, क्रेडिटर्स का जो क्लेम था वो निकाला था, उसके बाद ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं, तो यहाँ पे 9,000 आती है। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमारी जो एक अमाउंट थी ये थी डेप्रिसिएशन था, जो कि फर्नीचर का था 1,000। ओके, और 9,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद हमारे पास बचते हैं 8,000। ओके, 8,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, उन्होंने जो उनका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट को उन्होंने क्या किया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हुआ है। जैसे कि ए को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 के हिसाब से उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और यहाँ पे जो अमाउंट ए के हिसाब पे आई है वो आई है 4,800, और बी को जो अमाउंट आई है 3,200 रुपीज आई है, और ये प्रॉफिट उन्होंने ट्रांसफर किया है प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में। ओके, ये जो उनका जो प्रॉफिट से आगे उन्होंने ए और बी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने ये दो जो अमाउंट आई है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ओके, उसके बाद रिवैल्यूएशन हमारा क्लोज हो जाता है। रिवैल्यूएशन क्लोज होने के बाद ये जो हमारा प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट और लॉस जो भी आए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सी के अकाउंट को क्लोज किया, तो यहाँ पे सिर्फ 24,000 ही जो अमाउंट थी वो आई है, और यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं थी। तो 20 जो पूरा का पूरा जो बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे उसका कितना आया है, 24,000 पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ पे कैरिड डाउन हमें करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो टोटल हमारी बी की पूरी टोटल यहाँ पे आती है 80,000 रुपीज में से यहाँ पे जो पहले वाला जो लॉस था 8,000 रुपीज को माइनस करने के बाद जो बचा हुआ जो बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे है 72,000 रुपीज यहाँ पे रिमेनिंग बचा हुआ है। ओके, उसके बाद हमें ए का बैलेंसिंग करना है। ए का जो पूरा टोटल बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे जैसे कि 1,10,000 दिया हुआ है, तो 1,10,000 में से 12,000 माइनस करने के बाद यहाँ पे 98,000 बचता है, और ये जो बैलेंस है ए का जो कि हमने कैरिड डाउन किया हुआ है। ओके, उसके बाद इसका भी बैलेंसिंग हो गया, इसका बैलेंसिंग हमें ट्रांसफर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ए का बैलेंस, बी का बैलेंस और सी का बैलेंस, तीनों पार्टनर का जो बैलेंस होता है हमें न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होता है। जैसे कि ए का जो बैलेंस है, देखिए यहाँ पे ए का बैलेंस यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है 98,000, बी का बैलेंस यहाँ पे शिफ्ट किया है 72,000, सी का बैलेंस यहाँ पे शिफ्ट किया है 24,000। यहाँ पे तीनों पार्टनर का जो कुल मिला के जो कैपिटल बनता है यहाँ पे 1,94,000 रुपीज बनता है। इसके बाद सारी हमारी जो ट्रांसफर हो जा जो बैलेंसिंग हमारे ट्रांसफर हो जाने के बाद, उसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेप्स होती है इनका बैलेंसिंग करना। ओके, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें इसको टैली करना है, और इस हिसाब से जो हमने सारी जो चीज़ें की हुई है यहाँ पे
ये इसकी टोटल यहाँ पे कुल मिला के हमें आई है 2,24,000 रुपीज़। ये हमारी एसेट्स की जो बैलेंस आई है, और यहाँ पे जो लाइबिलिटी साइड जो बैलेंस है ये भी हमारी 2,24,000 रुपीज़ आई हुई है। और दोस्तों जैसे ही आपका बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाता है तो दैट्स मीन योर प्रॉब्लम इज एब्सोल्युटली ओके। सो गाइस, आपको आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट्स लाइक्स करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।